आंकड़ों से माध्यिका कैसे ज्ञात करें, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने पिछले वीडियो में अव्यवस्थित आंकड़ों से जानकारी प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, यम ई बराबर अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए सूत्र होता है यल प्लस यन बाई टू माइनस एफ बी बटा की यल इंटू आई, जहाँ पर यल का मतलब होता है मध्यांक वाले वर्गांतर की निम्न सीमा। सवाल आपको परीक्षा में ऐसे दी रहेगी, आपको फिर लगाना होगा। तो पहले सी आई दिया रहेगा, यफ दिया रहेगा, आपको सी एफ निकालना होगा। सी एफ मतलब इसका संचयी आवृत्ति। तो सर्वप्रथम इसमें संचयी आवृत्ति निकालते हैं। अगर ये नीचे से, अगर ये ऊपर से नीचे दिया हुआ है तो ऊपर से नीचे ज्ञात करेंगे। अगर नीचे से 10 से 19, उसके बाद 20 से 29, नीचे से ऊपर, तो नीचे जोड़ना शुरू करेंगे। इसमें 10 से 19, 20 से 29 ऊपर से नीचे दिया हुआ है, बढ़ती हुए क्रम नीचे है, इसलिए ऊपर जोड़ना शुरू करेंगे। एक एक में दो जोड़ेंगे 3, 10 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में जब हम 23 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 45, 45 से 25 जोड़ने पर हमें 70 प्राप्त होगा, और 70 10 80 और 88, 88 10 98 और 2 जोड़ने पर हमें 100 प्राप्त होगा। ये हमारी संचयी आवृत्ति हो गई। उसके बाद हम यन ज्ञात करेंगे। यन हम आवृत्तियों को हमेशा जोड़ के ज्ञात करते हैं, तो यन का मान आ जाएगा, यही मान आएगा 100। यन का मान 100 आ गया। उसके बाद हम यन बाई टू करेंगे। सब हम सवाल है, पहले यन निकाल के यन के बाद यन बाई टू करेंगे। तो यन बाई टू का मान होगा 100 में 2 का भागा देने पता चलता है 50। यन बाई टू का मान आ गया 50। अब सारी सवाल यहीं से लगेंगे। 50 देखिए किस आवृत्ति संचय आवृत्ति में आता है, तो 50 जो है 45 में नहीं आएगा क्योंकि छोटा है, और 88 भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये 70 में आएगा। तो इस वाले वर्गांतर को पकड़ लेते हैं अच्छे तरह से 70। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया यफ, अर्थात यफ बराबर 25। यफ का मान था मध्यांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति, मध्यांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति। तो मध्यांक क्या है, मध्यांक यही है बीच का, इसकी आवृत्ति कितनी है, इसकी आवृत्ति हमें मिली है 25। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, यफ बी, यफ बी का मतलब होता है मध्यांक वाले वर्गांतर की निम्न सीमा के नीचे आवृत्ति। तो मध्यांक वाला वर्गांतर कौन है, ये है, इसकी संचयी आवृत्ति 70 है, इसके जस्ट नीचे, इससे जस्ट कम कौन सी आवृत्ति है, इसके जस्ट नीचे 45 है, 70 के ठीक नीचे 45 है, उसके बाद कोई आवृत्ति नहीं है, 70 के ठीक नीचे 45 है, तो यफ बी का मान हम 45 लिख लेंगे। उसके बाद आई, आई अर्थात वर्ग विस्तार, तो आई वर्ग विस्तार कितना है, 10 से 19, तो 10 के बाद गिनेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 अंक आ रहे हैं, इसका वर्ग विस्तार 10 है, अर्थात 10 से लेकर 19 तक गिनती करेंगे, 10 को छोड़ के नहीं, 10 से लेकर 19 तक जब गिनती करेंगे तो 10 अंक आते हैं, अर्थात इसका वर्ग विस्तार 10 है। तो आई बराबर 10 लिख देंगे। उसके बाद बचता है हमारा यफ यफ बी आई, यफ यफ बी आई यन, यन बराबर कुल आवृत्तियों की संख्या। कुल आवृत्तियों की संख्या हमने निकाल ही लिया है 100, हालांकि अब इसका काम है नहीं सवाल में, बचा है यल। यल अर्थात मध्यांक वाले वर्गांतर की निम्न सीमा। तो पहले तो हमें मध्यांक पता, वर्गांतर पता नहीं था, अब वर्गांतर भी पता हो गया, ये वर्गांतर है, इसकी निम्न सीमा कितनी होगी, इसकी उच्च सीमा 69 है और निम्न सीमा जो होगी वो 60 से आधा कम, अर्थात 59 और 60 के बीच की होगी, ये 59 और 60 के बीच में आएगा 59.5, ये इसकी निम्न सीमा होगी, अर्थात यल बराबर 59.5। अब इसे सूत्र पे रख देंगे, यल प्लस यल का मान है 59.5, 59.5 प्लस यन बाई टू, यन बाई टू का मान कितना था, यन बाई टू का मान था 50, 50 माइनस यफ बी, यफ बी का मान है 45, यफ बी का मान ने 45 सही निकाला था, ये यफ बी है 45 बटा की यफ, यफ यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति कितनी थी, आवृत्ति थी हमारी 25। अब इसमें हम आई का गुणा करते हैं, आई का मतलब है वर्गांतर, 10 का है, इसे हम हल करेंगे, 59.5 धन 50 हो गया, तो 5 पटा के 25 गुणे 10, 5 से काट देंगे, 5 गुणे के 10, 5 पचे 25, 5 से 5 कट जाएगा, 59.5 में हम अब सिर्फ 2 को जोड़ेंगे, ये 2 बचा हुआ है, आ जाएगा उत्तर, हमें मिलेगा 100.5, ये हमारा उत्तर है।
तो आप देख लीजिए व्यवस्थित आंकड़ों से कैसे मध्यिका ज्ञात करी जाती है। एटम आसान है, सर्वप्रथम ऐसे दिया रहेगा, हम CF निकाल लेंगे, CF निकालने के बाद हम n बाई 2 कर लेंगे, 50 आएगा, 50 जिस संचयी आवृत्ति में पड़ेगा उसे ले लेंगे, 50 70 पड़ेगा, 70 को घेर लेंगे, इसकी जो आवृत्ति होगी वही हमारा F का मान होगा और इसका जो न्यूनतम मान होगा वो L का मान होगा अर्थात 59.5। उसके बाद I आपका देख ही रहे वर्ग विस्तार 10 का है, फिर फ्रिक्वेंसी होगी, बस इसे सूत्र पर रख देंगे, सूत्र पर लिख के हल कर देंगे, 59.5 उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।